जा रहे हैं समुद्र में नहाने के लिए, फिर निकल रहे हैं। अनन्या किधर गई? समुद्र किनारे जाने के लिए पुरी या फिर गोवा फरवरी और नवंबर बहुत बेस्ट मंथ होता है। तो हम लोग पास टाइम है, कल हम लोग घूमने जाएंगे, तो आज जो है हम लोग नहा लेते हैं। इस वजह से अभी दोपहर तो नहीं हुआ, 10 बज रहे हैं सुबह के, एंड काफ़ी अच्छा वेव होगा समुद्र में, तो चलिए देखते हैं समुद्र में नहाने का मज़ा। मैं तो नहाऊंगी नहीं, बिकॉज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही है, तो उसी को नहलाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए बीच पे जो है वो पहुँच चुके हैं और हमारा होटल बिल्कुल बीच के पास है, तो हम लोग फटाक से ही 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो जब भी आप समुद्र किनारे जाएं, चाहे गोवा हो या पुरी हो, तो कोशिश करें कि आपका जो होटल हो बीच के आसपास ही हो, क्योंकि मेनली हम लोग वहाँ जो है नहाने के लिए ही जाते हैं, तो इस वजह से वो नज़दीक रहेगा तो आपको एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस वीडियो में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मतलब आप बस देख के ही खुश हो जाओगे। बीच पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं, आप चाहें तो अपनी फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़, ये सारी चीज़ें निकलवा सकते हैं, और निकलवानी भी चाहिए क्योंकि इन लोगों का रोज़ी रोटी भी यही होता है और हमें भी एक अच्छी मेमोरीज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर हम सभी इंजॉय करने के लिए आ गए हैं। इतना बड़ा बड़ा लहर है, पूरी का लहर बहुत सुंदर होता है नहाने के लिए। और कहीं कहीं वीडियोस में आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको देख के ही इस खुशियों का आनंद लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में बहुत कम ही वॉइस ओवर करूँगी, आप देखिए और ये इतना मज़ा आएगा वीडियो देख के कि आप भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हम भी किसी बीच पे जाएं और इस तरीके से मस्ती करें। हमारी बेटी अपने पापा के साथ मजे ले रही है। बैठ जाइए, चप्पलवा रख दीजिए, बैठ जाइए। लहरों को देख के तो आपको मन ही नहीं करेगा कि आप इसमें से निकले। 2-3 घंटे हम लोग तो ऐसे ही नहाते रह जाते हैं।
और यहाँ पे मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही है, बालू से कुछ कुछ बना रही है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं बीच पे, और बच्चों के साथ साथ बड़े भी इंजॉय करते हैं। तो बालू पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी सासू माँ और दीदी भी बना रही हैं, और बाकी लोग समुद्र में इंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सारा वीडियोज़ है, तो सारे मेरे ब्लॉग आप देखिएगा। पागल है, कहाँ जा रहे हैं? पूरी बीच पे जब भी आप फ़ोटो क्लिक करवाएं फ़ोटोग्राफर से, तो वो जो है DSLR जो कैमरा होता है उसी से खिंचवाएं। जो निकोन वाला होता है उससे बिल्कुल भी आप मत खिंचवाएं, फ़ोटो धुंधला आता है। यहाँ पे दादी पोती दोनों एक दूसरे को बालू फेंक फेंक के मार रहे हैं। आन्या अपने दादी को बालू चला चला के मार रही है, और उसकी दादी दादी को मार मार के भाग जा रही है वो। और लाइफ थोड़ी सी बोर हो जाए और थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो इन सब जगहों पे आना चाहिए, घूमना चाहिए। बहुत ही रिजनेबल जगह है, कम पैसों में अच्छा मस्ती हो जाता है। और ये जो सबके चेहरे पे आपकी खुशी दिख रही है, सोचिए कि मतलब ये खुशियाँ कितनी खूबसूरत लग रही है हंसते हुए देखने में। तो इन सब खुशियों के लिए आप लोगों को कभी ना कभी साल में एक बार बाहर जाना ही चाहिए। और इन सब जगहों पे है ना, बड़े भी बच्चे बन जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है जो कि जिम्मेदारियों के तले दब जाता है। लेकिन जब हम ऐसी जगहों पे आते हैं ना, तो हमारा बचपना फिर से आ जाता है, और हम फिर से एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। तो लाइफ को जो है इंजॉय करिए, और ज़रूर पूरी घूमने जाइए। ज़्यादा मज़ा आया, सब लोग समुद्र में नहा रहे हैं, बट मैं बस बैठी हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो ये लोग इंजॉय कर ले, उसके बाद मैं नहाऊंगी। आई होप आप